हिंदू है तो हिंदुओं की हान मत जाने दे, राम लला पे कोई आँच मत आने दे, कायर विरोधियों को शोर मचाने दे, जय श्री राम, कायर विरोधियों को शोर मचाने दे, लक्ष्य पर रख तू ध्यान, अयोध्या करती है आवान, ठाट से कर मंदिर निर्माण, शिला की जगह लगा दे प्राण, शिला की जगह लगा दे प्राण, बिठा दे वहाँ राम भगवान, अयोध्या करती है आवान, ठाट से कर मंदिर निर्माण। अयोध्या जीत लिया हमने, अब ये शिला की जगह, ये शिला की जगह प्राण किसने लगाया? वाकई ये शिला की जगह प्राण उन्होंने लगाया, जो 5 लाख लोगों ने, जिन्होंने अपने अपनी आहुतियां दी, जो यहाँ कार सेवा में हजारों लोग अपनी आहुतियां देकर प्रभु श्री राम जी के चरणों में विलीन हो गए, उन्होंने अपनी जान दे करके, है ना, उन्होंने शिला की जगह अपनी एक एक ईंट की जगह अपनी जान दी है। ऐसा ऐसा परम वैभव का समय आया है आज हम सनातनियों के लिए, और हम लोग उत्सव ना मनाएं, अगर हम लोग खुशी ना मनाएं, तो क्या उन इंडी गठबंधन के जो आसुरी लोग हैं उनके यहाँ जाकर के उनके चरण चूमने का काम करें? अब सोने वाला सनातनी नहीं है, अब जग गया है, चाहे कितना हो कोशिश कर ले कोई भी। विपक्ष कह रहा है कि मोदी राजनीति कर रहे हैं, चुनाव को देखते हुए उद्घाटन कर रहे हैं इसका। चुनाव को देख के उद्घाटन नहीं कर रहे हैं, 2014 से मोदी योगी आए हैं, उससे पहले कांग्रेस के हाथ में था ना, था तो टेंट में से क्यों नहीं इस राजमहल में बैठा दिया राम जी को? अगर वो कांग्रेस बैठाता तो उसको भी आज हम लोग पूजनीय करते, लेकिन नहीं बैठाए, योगी मोदी बैठाए, इसलिए योगी मोदी का मान रहे हम लोग, जो सनातन को, जो पिता को, अपने सनातन के पिता को, सनातन के पिता कौन है? राम है। सनातन के पिता कौन है? राम है। तो जो हमारे पिता को बैठाए उनको हमने पूजेंगे, तो तुमको पूजेंगे? हमने ताला खुलवाया था, ताला खुलवाने से, हमने ताला खुलवाने से मान लीजिए पानी गूंड रहे हैं सामने, और जो खाओ ही नहीं तो स्वाद कैसे मालूम चलेगा? इन लोगों को स्वाद ही क्या मालूम भगवान राम क्या है? सनातन के पिता हैं, ठीक ना, तुल्य हैं। और राम मंदिर बना रहा है कौन? योगी मोदी। और ये भी कहना चाहूँगा कि योगी मोदी नहीं बना रहे हैं, ये बात समझ लीजिए, ये राम जी का प्रस्ताव ही है कि जब जब धर्म का हानि होता है तब तब उस पर असुर का, सज्जन का अवतार लेते हैं भगवान, सबको तारने के लिए अवतार लेते हैं, ठीक ना। वही योगी मोदी आए हुए हैं, ये दाहिना हाथ मोदी, बाएं हाथ योगी, और योगी यहाँ यूपी के लिए दाहिना हाथ है, दाहिना पंजा है। अब यहाँ सनातनी सोने वाला नहीं है, अब जग गया है, अब चाहे कोई भी कांग्रेस के नारे कुछ भी करते रहे, कुछ उखड़ने वाला अब नहीं सनातन धर्म का। रोजगार इससे नहीं मिलेगा, हॉस्पिटल बनवाना चाहिए था, मंदिर बनता है, मंदिर बने, जितना विदेश है, विदेश में जितना बढ़े हैं सब, विदेश में जितना बढ़े हैं वो क्या मंदिरों का आशीर्वाद है, मंदिर में जितना आप देते हैं, और जो मंदिर बन रहा है उसमें टैक्स से केवल जो जनता का पैसा है वो पैसा नहीं लग रहा, पैसा से जो रिकॉर्ड बना हुआ है उससे मंदिर बन रहा है, उससे मंदिर बन रहा है, पैसा से मंदिर नहीं बन रहा, जो पैसा दिया गया है अकाउंट में उसका जो रिकॉर्ड बना है उससे मंदिर बन रहा है। और बाकी इतना हॉस्पिटल आप जाकर राम मंदिर के पास में देखिए, वहाँ बहुत बड़ा विशाल बन रहा है, उसमें जितने यात्री आएंगे ठहरेंगे, फ्री में ठहरेंगे, आए किन के लिए बनाया जा रहा है? और पूरे विपक्ष वाले जो नहीं आ रहे उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये जो हमारा समय है ये खुशी का समय है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब लोग एक साथ इस उत्सव को मनाएंगे, और इस उत्सव में सब शामिल होंगे, और सब जय श्री राम का नारा लगाएंगे, जय श्री राम। मोदी जी के चलते राम जन्मभूमि का जो ये हो रहा है, मोदी जोगी का, हाँ उन्हीं के चलते ये हो रहा है, समझ जाइए, ये खुशी लग रहा, नहीं तो कितना सरकार आई गई किसी कहाँ से, लेकर एक मोदी जी ऐसा है जो उनके यहाँ से लिखा था श्री राम। विपक्ष वाले कह रहे हैं मोदी तो क्रेडिट ले रहे हैं, बनवा दो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, पहले इतना रहता तो कर नहीं देते कभी का, हाँ पहले हिंदुत्व के बारे में बोलेंगे तब फिर उसके बाद विपक्ष अपक्ष के बारे में बोलेंगे। जो सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन नहीं आ रहे, नहीं मतलब है हमको, उससे नहीं मतलब है हमको, पहले बीजेपी सरकार, भगवान राम पूरे ब्रह्मांड में व्यापक हैं, ठीक ना, भगवान राम सबके पिता हैं, जितने भी सनातनी हैं सबके पिता हैं, ठीक ना। तो आपको भाजपा से और कांग्रेस से क्या लेना है? आपको गया पार्टी से मतलब नहीं ना है, आप भगवान को मानते हो, आस्था है, ठीक ना, तब आओ दर्शन करो। तुम कांग्रेस पे, भाजपा पे क्यों टारगेट कर रहे हो?
और बार बार सनातन भाई टारगेट क्यों कर रहे हो जी? ऐसा है जी, किसी कोई दिक्कत नहीं इसमें, जो हमारे श्री रामचंद्र जी के प्रभु का आए हैं, अभी तक बैठे हैं, हमको बहुत खुश है, हम बहुत दूर से आए यहाँ से, इसी करके आए हम, तो यहाँ देखते हैं कितना अच्छा लग रहा है यहाँ देखने में, बस आइए सर आइए इधर आइए। प्यारा बात, जो राम का है वो सब यहाँ आए हैं, जो राम का नहीं है वो नहीं आ रहे, बस काम का नहीं, अपने घर पे बैठे रहे। और ये लोग कह रहे सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ आतंकवादियों के लिए खुलती थी रात को 12 बजे, बस उनका काम वही था, राम मंदिर काम मोदी ने किया है, बस। जय श्री राम। जी हाँ, बताइए आप लोग, बताइए आप लोग कहाँ से आई है? हम लोग यही अयोध्या के ही है। मंदिर बन रहा है, कैसा लग रहा है आप लोग? मंदिर बन रहा है जैसे लग रहा है साक्षात भगवान अब आ ही गए हैं, अब सबका कल्याण होगा, ये जान लीजिए आ गया है। राम जी जरूर आएंगे, गए अब समझ लीजिए। अच्छा, कई लोगों को न्योता मिला है, वो लोग नहीं आ रहे, कह रहे मोदी राजनीति कर रहे, तो सही बात है ये? कैसे राजनीति कर रहे हैं? अब तक हर आदमी आता तो कहते ये राजनीति हो रहा है, अगर सनातनी अगर हमारा पढ़ रहा है तो उसे किसी का क्या नुकसान हो रहा है? किसी का कोई नुकसान हो रहा है? किसी का कुछ नुकसान हो रहा है तो क्यों नहीं दिख रहा है? वो तो हमारे लिए, हम लोग के लिए अगर एक रोजगार ही ला रहे हैं, यहाँ के हर एक सुविधा कर रहे हैं, तो इसमें नुकसान किसी को? 500 साल पहले लोगों ने कहा थे, 500 साल पहले लोग कहा थे जब ये सब कार्य रुका था, मोदी जैसा हिम्मत और ताकत साहस निडर रखने वाला कोई है और ना रहेगा? जब हमारे भगवान टेंट में थे तब लोग कहाँ थे? तब कोई कुछ नहीं सोच रहा था। आज हमारे भगवान के लिए मंदिर बन रहा तो सबको अखड़ रहा है, क्यों अखड़ रहा है भाई? अरे चुनाव से पहले उद्घाटन करा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने तो पहले ही से बना दिया था कि 24 में आएंगे, 24 का उन्होंने तो पहले ही से बना दिया था। जय श्री राम। सबको आना चाहिए मंदिर पे। हाँ, सबको आना चाहिए, सबको आना चाहिए। एक मिनट में बताना चाहूँगा कि मेरी माँ 90 में प्रचार की थी कि राम लला हम आएंगे मंदिर यही बनाएंगे, अब राम लला आ गए हैं, अब मंदिर यही बनेगा। अब कैसा लग रहा है आपको? बहुत आनंद आ रहा है। समय कैसे स्थिति में आंसू आ गए? बस श्री राम की जोर धर है, बस बहुत आनंद आ रहा है। आ रहा, जो लोग नहीं आ रहे हैं उनको क्या कहेंगे? आइए आइए, किसी को मिस ना होने दीजिए, आप आइए, जो लोग नहीं आ रहे हैं उनका दुर्भाग्य है, उनको एक अवसर मिला था, उनको अपनी जो भी गलती उन्होंने किया था उसका पश्चाताप करने का एक अवसर मिला था, लेकिन वो भी वो गंवा रहे हैं, और निश्चित रूप से जान लीजिए अब उनकी उल्टी गिनती चालू हो गई है, चालू हो गई है। प्रभु श्री राम जी आ गए और भगवान ने उनको इस लायक नहीं समझा कि उनको अपने यहाँ हम दर्शन में बुलाएं, जबकि उनको आमंत्रण गया न्यास की तरफ से, लेकिन प्रभु नहीं चाहते। आप ये प्रभु की इच्छा जान लीजिए, उनके बिना पत्ता नहीं हिलता। उन्होंने एक एक व्यक्ति को आजमाया, सबको देखा, सारे लोगों को देखा कि किस कौन मेरे लिए क्या कर सकता। 5 लाख हिंदुओं ने 550 वर्षों में अपने प्राणोत्सर्ग किए समय समय पर, तो वो भी तो थे, वो किस आस्था से ऐसे ही माता जी जैसे ही आंखों में आंसू लिए ऐसे अपने प्रभु आराध्य को मुक्त कराने के लिए, अपने जन्म स्थान को मुक्त कराने के लिए कूच करते रहे, और उनको मार काट करके यहाँ अयोध्या की गलियों में कुओं में पाट दिया गया, इतनी लाशें बिछाई गई। आज हमारे यहाँ पर जब 90 बेकार सेवा हुई, मुलायम सिंह जी कहते हैं, उनके गुर्गे कहते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्या ने कल कहा ये अराजक लोग थे, उन्होंने संविधान को बचाने के लिए गोलियां चलवाई थी, संविधान को बचाने के लिए श्री राम जन्मभूमि से 1.5 किलोमीटर दूर कोठारी बंधुओं को घर से खींच कर इसलिए मारा गया कि 30 अक्टूबर को उन्होंने गुंबद पर चढ़ करके भगवा ध्वज फहरा दिया था, इसीलिए उनको 30 नवंबर को घर से खींच करके मारा गया, उनके भेजे में गोलियां उतारी गई, कोई नहीं भूल सकता। और देश का एक एक बच्चा बच्चा सनातनी जो भी है उसके अंदर ये आक्रोश है, और ये जान लीजिए उसका प्रकटीकरण आपको 22 तारीख और उसके बाद अब हमेशा होता रहेगा, दिखता रहेगा। सोशल मीडिया पे चल रहा है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, महावीर तो महावीर है, महावीर तो हम सभी के रक्षक हैं, यहाँ के राजा हैं वो अयोध्या के। जो लोग न्योता मिलने के बावजूद नहीं आ रहे हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे सोशल मीडिया पे लोग। हाँ हाँ, तो और क्या, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, महावीर जब नाम सुनावे, और सही बात है,
जब पवित्र स्थापना होने जा रही है, ऐसे आसुरी लोगों का क्या काम? ये आसुरी शक्तियां हैं, ये सारे आसुरी शक्तियां हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम को नकारा, जिन्होंने उनके भक्तों पर गोलियां चलवाई, जिन्होंने आडवाणी जी के रथ को रुकवाया। ये मूढ़ लोग, इनको कभी प्रभु श्री राम जी अपने यहाँ अपने बच्चों को छोड़ करके बुलवाएंगे? यहाँ तो ये सब भक्त आए हुए हैं अपने भक्तों को। एक मिनट, कहते हैं कि जियो। देखिए, जो आपने बार बार जिक्र किया कि निमंत्रण के बाद नहीं आए, तो मैं कहूँगा, मैं कहूँगा जियो का डेटा और सोनिया का बेटा केवल मनोरंजन के काम आ सकता है, राष्ट्र कल्याण के लिए नहीं आ सकता। तो ये जो नहीं आ रहे हैं ना, और सारे विरोधी जो खासतौर से इंडी गठबंधन के लोग जो विरोधी दल हैं, ये जो तरह तरह से विरोध कर रहे हैं किसी न किसी बहाने से, कोई किसी बहाने से, कोई किसी बहाने से, इनके लिए केवल दो लाइन गा करके बताऊंगा, उसके बाद आपसे नमस्ते करूंगा। हिंदू है तो हिंदुओं की आन मत जाने दे, राम लला पे कोई आँच मत आने दे, कायर विरोधियों को शोर मचाने दे, जय श्री राम, कायर विरोधियों को शोर मचाने दे, लक्ष्य पर रख तू ध्यान, अयोध्या करती है आवान, ठाट से कर मंदिर निर्माण, शिला की जगह लगा दे प्राण, शिला की जगह लगा दे प्राण, बिठा दे वहाँ राम भगवान, अयोध्या करती है आवान, ठाट से कर मंदिर निर्माण। अयोध्या जीत लिया हमने, अब ये शिला की जगह प्राण किसने लगाया? वाकई ये शिला की जगह प्राण उन्होंने लगाया, जो 5 लाख लोगों ने, जिन्होंने अपने अपनी आहुतियां दी, जो यहाँ कार सेवा में हजारों लोग अपनी आहुतियां देकर प्रभु श्री राम जी के चरणों में विलीन हो गए, उन्होंने अपनी जान दे करके, है ना, उन्होंने शिला की जगह अपनी एक एक ईंट की जगह अपनी जान दी है। ऐसा परम वैभव का समय आया है आज हम सनातनियों के लिए, और हम लोग उत्सव ना मनाएं, अगर हम लोग खुशी ना मनाएं, तो क्या उन इंडी गठबंधन के जो आसुरी लोग हैं उनके यहाँ जाकर के उनके चरण चूमने का काम करें? हम तो अपने प्रभु श्री राम जी का आनंद मनाने आए हैं। वो तो कह रहे कि शंकराचार्य भी नहीं आ रहे हैं, दो शंकराचार्य। शंकराचार्य जी ने विरोध नहीं किया है, आदरणीय सभी श्रद्धेय शंकराचार्य जी ने किसी ने विरोध नहीं किया, उन्होंने कहा, एक शंकराचार्य जी ने कहा कि हाँ अभी तो मंदिर जो है आधा बना है, जब पूरा बन जाएगा। हम कैसे देखते हैं, जो कह रहे कि आधा बना है तो घर में भी तो लोग गृह प्रवेश कर ही लेते हैं। देखिए, ऐसा है, देश के सभी जितने ज्ञानी ब्राह्मण पंडित थे, ज्योतिष थे, उनकी गणना के अनुसार इससे शुभ दिन नहीं था, इसलिए इस मंदिर का आज के 22 जनवरी को प्रभु श्री राम जी का वहां पर प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। अब इतनी अनुकूलता के कारण अगर वो हो रही है तो इसमें काहे लोगों को दर्द हो रहा, क्यों चिल्ला रहे हैं, काहे मर रहे हैं? राम प्रभु आ रहे हैं, एक तो उन्होंने मटनी चाहिए, ये दिवाली मटनी चाहिए, और सब कृष्ण जन्म मूवी की बारी है, ऐसे ही होगा। अरे सब ठाकुर जी कृपा से सब काम होगा, जय श्री राम, हो गया काम, राधा राधा रानी की जय। शुक्ला जी इधर आइए। अरे अरे शुक्ला जी मैं शुक्ला जी नहीं हूँ, आइए शुक्ला जी, ये भी शुक्ला, बोलिए शुक्ला। हाँ जी जो राम मंदिर बन रहा है क्या कहेंगे इस पे? अरे पूरे देशवासी प्रसन्न है, हमारे रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होने जा रहे हैं। 5.5 सालों में 5 लाख ज्यादा हिंदुओं की हत्या हुई है, कितना आंदोलन हुआ, 90 में कार सेवा हुई, 92 में लोगों ने गिराया गुंबद को, विवादित गुंबद को, और उसके बाद कोठारी बंधु जो कलकत्ता के थे, दो भाई राम कोठारी शरद कोठारी, खींच के मुल्ला मुलायम की सरकार ने मरवाया, आज वो सत्ता से बाहर हो गए, और उनको आना भी नहीं है, और उनको निमंत्रण गया, चलो भाई उनको एक मौका मिला था, आओ प्रायश्चित कर लो, नहीं किए, जाएं अब सुपड़ा साफ है उनका। सोनिया गांधी भी नहीं आ रही है ना, भगवान राम को काल्पनिक बताने वाले वही लोग तो हैं, राम सेतु को नकारने वाले लोग हैं वो, ना है उनकी आवश्यकता भी नहीं। मोदी राजनीति इस पे करें इसलिए हम नहीं आएंगे। वही मोदी जी राजनीति नहीं कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं वो,
अरे भाई ये मंदिर तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पे बन रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन हुआ, तो वो सबको निमंत्रण दे रहे हैं, वो सबको बुला रहे हैं, तो उन्होंने मोदी जी को उचित समझा तो मोदी जी को बुलाया, तो उसमें किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। वही तो वो कह रहे हैं कि मंदिर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बन रहा है, लेकिन मोदी लोकसभा चुनाव से पहले एकदम माहौल पूरा बना दिए हैं, देश विदेश की जनता आ रही है, लाभ बीजेपी को मिलेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने घोषित किया कि 22 जनवरी को वहाँ प्राण प्रतिष्ठा होगी और सबको निमंत्रण दिया, छोड़ा किसी को नहीं, सबको बुलाया। और देश के प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने विदेशों में भारत का डंका बजाया जाके, आज भारत इतने ऊंचे ऊंचाइयों पर जा रहा है, तो मोदी जी की देन है। ऐसा है, अभी भी इन विरोधियों के पास स्वर्णिम अवसर है। अगर वो ऐसा कहते हैं कि इसका पूरा श्रेय और लाभ जो है भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी ले रहे हैं, उठा रहे हैं, तो उनको भी अभी भी स्वर्णिम अवसर है। अभी काशी और मथुरा बाकी है, आ जाएं वहां पर, उसका समर्थन करें और वो ले जाएं, हम उनकी जय जयकार करना शुरू कर देंगे। हमारे लिए तो हमारे लिए वो सर्वोपरि है जिसने हमारे प्रभु श्री राम जी को आज यहां पर पहुंचा दिया। अन्यथा उत्तर प्रदेश की सरकार ना होती ना, यहां पर अगर विरोधी दल की सरकार होती तो मैं ये कहने में गुरेज नहीं रखता, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को भी ना मानते ये लोग। ये नहीं, ये कह करके दो लाइन लिख करके कि कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी, इसलिए हम इसको ऑर्डर बनवा पाते। तो ये है इनका दोहरा चरित्र, ये दोहरा चरित्र वाले लोग। वो आपने दो मुहा सांप भी देखा होगा या सुना होगा, दो मुहा सांप, ये वही दो मुहा सांप हैं सांप। इनके अंदर से अमृत नहीं निकलेगा, इनके अंदर से जहर ही विष ही निकलेगा, जब भी निकलेगा। और ये वही आसुरी शक्ति है भाई। पहले के ज़माने में, पूर्व में, जब देवता लोग हवन यज्ञ किया करते थे, कोई अनुष्ठान किया करते थे, तो यही आसुरी शक्तियाँ आ करके विघ्न डाला करती थी ना, वही आसुरी शक्तियाँ आज ये सब हैं जो ये कार्य हो रहा है, एक पवित्र कार्य हो रहा, उसमें विघ्न डालने का काम कर रही हैं। लेकिन आप भी तो नहीं रहे हैं, ये लोग विघ्न कैसे डालेंगे, आप भी तो नहीं रहे हैं। अरे ये अपने जहर रूपी भाषणों से तो कर रहे हैं, देश का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। कोई कह रहा है राम मंदिर झूठा है, कोई मत तरह तरह नरगल क्या क्या बातें कर रहे हैं। लालू प्रसाद का चेला कह रहा है, मुलायम सिंह का चेला कह रहा है, अखिलेश का साथी कह रहा है, सोनिया गांधी के साथी कह रहे हैं, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, कौन नहीं कह रहा है, तो इंडी गठबंधन ही पूरा घमंडिया है। गठबंधन घमंडिया तो घमंडिया था ही, यह राक्षसी गठबंधन है। ये सारे लोग केवल और केवल आसुरी शक्तियां हैं, वही जो आप जन्म लेते 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 इस समय मानव स्वरूप में हमारे आपके बीच में खड़ी हैं, है ना। इनमें एक बार करुणा निधि ने कहा था, करुणा निधि जी जो है उन्होंने कहा था कि राम को किसने देखा है, वो राम सेतु के मामले पर मुद्दे पर कहा था राम को किसने देखा है। तो मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, देखा तो तुमने अपने बाप को भी नहीं था, जब तुम्हारी माँ ने बताया तब तुमने बताया, पहचानना शुरू किया, पापा पापा पापा, पिताजी बाबूजी, है ना। बाद में तुम देखने गए थे क्या कि तुम्हारा बाप कौन था, तो पहले अपने बाप का जो है वो बताओ कौन थे, फिर जो है राम सेतु और प्रभु श्री राम जी का वो मानना। बोलने कुछ भाई साहब, बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत, धन्यवाद।